ये एक बहुत ही सरल बैलेंसिंग टॉय है। इसके लिए आपको कार्ड की एक तितली, कुछ प्रेस बटन, एक पंच और एक स्टैंड चाहिए जिसमें एक टूथपिक एक डिब्बी के ऊपर लगी हो। 15 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा कार्ड शीट लें और उस पर तितली बनाएं और तितली की पूरी आउटलाइन को काट दें। थोड़ा सख्त कार्ड से बनाएं। उसके बाद में सुंदर दिखने के लिए तितली को मनमोहक रंगों से आप रंग दें। अब यह है आपकी रंगीन तितली। उसके बाद में उसमें तीन निशान बनाएं, दो तो पंखों के ऊपर और एक बिल्कुल गर्दन के ऊपर, और फिर जो सिंगल पंच होता है उससे इन तीनों निशानों में आप पंच करके छेद बना दें, और फिर बड़े प्रेस बटन ले, टिच बटन जो बच्चों के फ्रॉक में लगाते हैं, और इन प्रेस बटन्स को खोल करके तीनों छेदों के अंदर फिट कर दें इस तरह से कि जो गड्ढे वाला हिस्सा है वो सफेद और हो। ये देखिए, सफेद वाले हिस्से में गड्ढा है। इस तरह से आप तीनों प्रेस बटन्स को फिट कर दीजिए। इन बटन के भार से ये तितली संतुलित होगी। उसके बाद में तितली के दोनों पंखों को नीचे दबा दीजिए, थोड़े से दबे हों, और फिर ये बोतल है जिसके ऊपर एक टूथपिक टिकी है, बोतल के अंदर रेत भरी है भारी होने के लिए, और टूथपिक की टिप के ऊपर आप तितली को टिका दीजिए। अच्छी तरह से संतुलित होगी और अगर आप उसको घुमाएंगे तो गोल गोल घूमेगी। ये देखिए उसका कितना सुंदर टॉप व्यू है। तितली बड़े आराम से संतुलित है और घूम रही है। इसकी बजाय आप एक इस तरह का कोई एक गुड़िया जैसी भी बना सकते हैं। ये भी कार्डशीट की बनी है और इसमें भी तीन बिंदी हैं, दो हथेलियों के ऊपर और एक गर्दन पे, जिनमें आप पंच से छेद करें और इन तीनों छेदों में एक एक प्रेस बटन फिट कर दीजिए। प्रेस बटन का जो गड्ढे वाला हिस्सा हो वो नीचे की ओर हो। ये देखिए नीचे की ओर गड्ढा है। अब दोनों हाथों और पैरों को थोड़ा सा लचा दीजिए, इससे संतुलन में मदद मिलेगी, और फिर प्रेस बटन को आप टूथपिक की नोक पर रख दीजिए और उसके बाद में इस गुड़िया को जैसे ही आप थोड़ा सा भी धक्का देंगे वो मजे में आराम से गोल गोल घूमेगी और देखने में बेहद सुंदर नजर आएगी। ये संतुलन के बैलेंस के दो बेहद सुंदर खिलौने हैं जिसमें इस छोटे से बच्चे को भी कितना मजा आ रहा है।